दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। प्रिंसिपल गोमी डिग्री कॉलेज पुंछ की इतला के मुताबिक प्राइवेट कैंडिडेट्स फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं इस माह की 27 तारीख को, यानी 27 मई से प्राइवेट कैंडिडेट फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। अब आप ध्यान से सुने, सिक्स सेमेस्टर में CBCS और नॉन CBCS दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तलबा ध्यान से सुने, सिक्स सेमेस्टर के जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं CBCS और नॉन CBCS दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम दे पाएंगे 27 तारीख से शुरू होने वाले एग्ज़ाम के साथ, बच्चों के साथ। और फिफ्थ सेमेस्टर के जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उसमें सिर्फ CBCS स्टूडेंट्स को ही अलाउ किया जाएगा, उसमें नॉन CBCS के स्टूडेंट्स फिफ्थ सेमेस्टर के नहीं होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि फिफ्थ सेमेस्टर के नॉन CBCS के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम कब देंगे? वो जो नॉन CBCS के फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स के साथ या डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ से जो एग्ज़ाम मुनक्कद किया जाएगा उसके साथ उनका एग्ज़ाम होगा और उसकी डेट शीट आने वाले चंद 5 या 7 दिनों में किसी वक्त भी आ सकती है। ये बात आपको क्लियर हुई? अब यह है कि जिस तरीके से रेगुलर बच्चों के एग्ज़ाम लिए गए थे ओपन बुक ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक इसी तरीके से प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के, इनके भी एग्ज़ाम उसी तरीके से लिए जाएंगे। यानी ये ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। आपको घर बैठ के पेपर लिखना है, आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो ग्रुप से मिलेगा या लिंक से मिलेगा, ये कंसर्न टीचर ही आपको कन्वे कर पाएगा। पेपर आपको कैसे लिखना है इसके लिए अलग से मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, मैं लिंक्स में भी लगा दूंगा। आंसर शीट कैसे PDF में कन्वर्ट करनी है और किस तरीके से अपलोड करनी है, बाकी पुंछ कॉलेज के जो गाइडलाइंस थी, एक्सक्लूसिव जो पुंछ कॉलेज की गाइडलाइन थी 23 और 27 अप्रैल को जो उनकी गाइडलाइंस आई थी, बाकी उनका सारे का सब एग्ज़ाम जो है उसी पैटर्न पर लिया जाएगा। अब यह है कि आपके जो रोल नंबर्स हैं ये आपको कहाँ से लेने हैं। मैक्सिमम तलबा तो अपने रोल नंबर ले चुके हैं और वो यूनिवर्सिटी की साइट पर जो है ऑलरेडी अपलोड थे, आपको वहाँ से जाके डाउनलोड करने हैं और आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है आपको उसी में जाना है। अगर किसी तालिबे इल्म के पास, किसी स्टूडेंट के पास रोल नंबर नहीं है तो पुंछ कॉलेज ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, आप उन ग्रुप में जब जाएंगे तो आप वहां से आपका रोल नंबर आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपका सेंटर पुंछ कॉलेज में है तभी आप एग्ज़ाम वहां दे पाएंगे, या जिस कॉलेज में भी आपका रोल नंबर है आप वहीं दे पाएंगे। ओपन बुक एग्जामिनेशन सेंटर में आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे हम जब रेगुलर हमारे ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे तो हम स्ट्रे केस बैठ के, अगर हमारा सेंटर जम्मू में चला जाता था तो हम पुंछ में एग्ज़ाम दे पाते थे। यहाँ चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो आप कहीं भी बैठे हैं आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपनी आंसर शीट जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रहे। और मज़ीद अगर इस हवाले से आपको कोई दिक्कत आए, ख़ास करके मैं पुंछ के बच्चों की जो बात कर रहा हूँ, तो आप कन्वीनियर एग्ज़ाम कमेटी डॉक्टर इजी चौहान साहब से अपना रबता जो है कायम कर सकते हैं। उनका टेलीफोन नंबर मैं आपको थोड़ी देर में लिखवा देता हूँ। इस बात का जो है आपको ध्यान रहे कि आपको कोई भी अगर दिक्कत आएगी तो आप कन्वीनियर एग्ज़ाम कमेटी के साथ अपना जो है रबता कर सकते हैं। अजीज चौहान साहब का नंबर आप जो है लिख लें ताकि आपको मज़ीद कोई परेशानी ना आए। अजीज चौहान साहब का नंबर है 9086193155। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 9086193155। कॉलेज ने मज़ीद क्या कर रखा है आपकी आसानी के लिए कि डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट ग्रुप बना रखे हैं और बहुत से तलबा जो हैं कसीर तादाद में जो तलबा हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं। किसी वजह से अगर कोई स्टूडेंट या आप तक ये बात नहीं पहुंची है, आप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, आप कन्वीनियर से रबता कायम करें और आपको ये ग्रुप ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और मज़ीद जो है आपकी हेल्प है वो कंसर्न टीचर करेगा, कंसर्न HOD करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट ने लेना है
पेपर आपको कैसे भेजना है वो कंसर्न डिपार्टमेंट बताएगा कि वो लिंक गूगल लिंक से भेज रहा है या वो किसी और तरीके से भेज रहा है। शीट आंसर शीट वो कैसे आपसे ले रहे हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट आपको अपडेट करेगा। इसलिए आप इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे और आप जल्द अज जल्द जो है अपना रबता जो है कमेटी के साथ करेंगे। तो मज़ीद जो है कुछ हमने जो इस हवाले से वीडियोज़ बनाई थी, PDF कैसे क्रिएट करना है, अपलोड कैसे करना है, उनका लिंक मैं यहाँ इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा। आप वो भी देखकर अपने जो फंडे हैं क्लियर कर सकते हैं ताकि आपसे कोई गलती मज़ीद ना हो। और इस वीडियो को भी प्लीज़ आप शेयर करिए ताकि स्टूडेंट्स तक पहुँचे और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आसानियाँ जो हैं आसानियाँ हो जाएँ। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।